हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी का एक बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस नाश्ता रेसिपी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, ये खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी है, बनाने में उतनी ही ज़्यादा ईजी है। और इसके अंदर मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। ज़रूर से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। लेट्स स्टार्ट इट। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पे देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया है, और अब इसके अंदर मैं डालूंगी एक कटोरी के करीब सूजी। और यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आप कटोरी एक अलग कर लीजिए मेजरमेंट के लिए। अब जिस कटोरी से मैंने फ्रेंड्स सूजी को नापा है, उसी कटोरी से नाप के मैं आधी कटोरी के करीब दही ले रही हूँ। और दही यहाँ पर हमें ज़्यादा खट्टी वाली इस्तेमाल नहीं करनी है, हमें नॉर्मल दही लेनी है। तो इसको अभी हम मिक्स कर देंगे, और इसको मैंने देखिए मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा मिक्सचर बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर पानी का आप थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कीजिए, और सूजी पानी को अच्छे से सोख लेती है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे, और इसका स्मूथ सा गाढ़ा सा हम पेस्ट बनाएंगे, और उसके बाद इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, आधा ग्लास के करीब इन टोटल मैंने पानी इसमें लगाया है, और अब इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने छोड़ देते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं मसाला बना रही हूँ। तो एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसके अंदर एक चम्मच के करीब हम तेल डालेंगे, और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, और इसको मिक्स करके हम हल्का सा ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और ये देखिए, ब्राउन भी हो गया है ज़ीरा। इसके बाद देखिए, मैंने एक छोटा प्याज इस तरीके से बारीक काट लिया है, ये डाल दूँगी इसमें, इसको भी मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करने वाली हूँ, आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स दूसरी वैरायटी की डाल सकते हैं। तो प्याज को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, कलर नहीं देना है इसमें। इसके बाद देखिए, मैंने एक छोटी शिमला मिर्च भी बारीक टुकड़ों में काट के रखी है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर, और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है नाश्ता। इसके बाद देखिए, मैंने पत्ता गोभी ली है यहाँ पर बारीक बारीक टुकड़ों में कटी हुई, छोटी सी पत्ता गोभी का टुकड़ा मैंने इधर काट के इस्तेमाल किया है, आधी छोटी कटोरी जितना, इसको भी मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके अंदर मटर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अदरक का टुकड़ा मैंने आधा इंच का कद्दूकस करके रखा था, वो भी डाल देंगे। अदरक से इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। तो ये भी मिक्स कर लेंगे, और हल्का सा हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे मीडियम आँच पर। इसमें नमक मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, साथ में आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर मिक्स किया है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ज़्यादा मसाले भी मैं इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल नाश्ता है, पर बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया है, आइए सूजी को देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी को हमने 10 से 15 मिनट छोड़ दिया था, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये फूल गई है, गाढ़ा गाढ़ा सा इसका स्मूथ सा मिक्सचर बन गया है, पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बन गई है। और अब इसके अंदर फ्रेंड्स, हम ये जो हमने मसाला भून के रखा है वेजिटेबल्स के साथ, ये डाल देंगे, और इसके बाद इसके अंदर हम थोड़े से मसाले और डालेंगे। तो नमक थोड़ा सा मैं और इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि सूजी में हमने नमक नहीं डाला था। और इसके बाद इसके अंदर धनिया डाल देंगे, आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेंड्स पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश पुदीना होता है जो, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको अभी हम मिक्स कर लेंगे, और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा थिक हो गया है बैटर जो हमारा, इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं थोड़ा सा पतला कर लूँगी, ताकि ये हल्का सा फैल सके। तो इसके अंदर मैं आधा कप के करीब पानी और डाल रही हूँ, और इसको मिक्स कर देंगे, और हमारा स्मूथ सा एक बैटर तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ बारीक टुकड़ों में कटी हुई। मैंने हरी मिर्ची मसाले में इसलिए नहीं डाली थी, क्योंकि मसाले में डालने से उसका टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप कच्ची हरी मिर्ची डालेंगे इसके अंदर, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, तीखी लगती है वो खाने में,
और इसके अंदर मैंने एक चुटकी करी मीठा सोडा भी डाल दिया है। मीठा सोडा डालने से हल्के से स्पॉन्जी बनेगा हमारा ये नाश्ता, तो आप एक चुटकी बस मीठा सोडा डालिए इसके अंदर और इसको मिक्स कर लीजिए। आइए इसको सेक लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक फ्राइंग पैन लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ, बिल्कुल ज़रा सा तेल मैंने लगाया है, और इसको फैला देंगे तेल को। इसके बाद देखिए मैं एक करछी की मदद से, दो करछी जितना इसके ऊपर ये हमारा जो सूजी का बैटर है ये डालेंगे, और इसको मोटा मोटा फैलाना है, ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके से मोटा मोटा मैंने फैला दिया है, और स्पैचुला की सहायता से इसको बिल्कुल इवन आउट कर लीजिए चारों तरफ से। और ये देखिए ये बिल्कुल आधा इंच जितना मोटा है। तो इसको ढक के फ्रेंड्स हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये 2 मिनट से बहुत ही अच्छे तरीके से सिक रहा था धीमी आंच पे, और इसको अभी मैं पलट लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने पलट लिया है और इस पर थोड़ा सा मैं घी और लगा रही हूँ। मैंने आपको गलती से पहले ऑयल बता दिया था, मैं इसके अंदर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, घी से ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और ये देखिए इसको 2 मिनट तक के लिए हम इसको और सेक लेंगे धीमी आँच पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये 2 मिनट के लिए और मैंने सेक लिया था, और अब इसके ऊपर बिना कवर के हम इसको फुल आंच पे इसको ब्राउन कलर आने तक अच्छे से सेकेंगे, ताकि दोनों तरफ से अच्छा ही कुरकुरा हो जाए और कलर इस पर अच्छा आ जाना चाहिए। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छा ब्राउन कलर आ गया है इस पर, और ये बहुत ही कुरकुरा और क्रंची लग रहा है। तो ये बाहर से खाने में फ्रेंड्स कुरकुरा और क्रंची होगा, और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो वैसे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं एक और बना देती हूँ, और स्पैचुला की सहायता से इसके जो बॉर्डर्स हैं इनको आप थोड़ा सा इवन आउट कर लीजिए। और पहले हम ढक के सेकेंगे, उसके बाद इसको निकाल के हम फुल आँच पे कुरकुरा होने तक सेकेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसको मैं काट के इस तरीके से सर्व कर रही हूँ, और ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता है। इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स का हमने इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। और सुबह सुबह आप झटपट में ये टेस्टी डिलीशियस सूजी का नाश्ता आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसके अंदर और भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही वर्सेटाइल है, आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा और भी नाश्ता रेसिपीज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मैं लिंक दे रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में, ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सके। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं हमेशा से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स ये कोई दूसरी रेसिपीज़ है हमारे चैनल की जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।